दुबई ब्यूटी स्कूल सौंदर्य शिक्षा में अग्रणी। 14 मई को बॉलीवुड सेलिब्रिटी अभिनेत्री नेहा धूपिया, अभिनेता प्रिंस नरूला, भूमिका भाल, मेकअप एजुकेटर और अनुभव वरिष्ठ मेकअप एजुकेटर द्वारा दिल्ली में अपने नए स्थान के भव्य उद्घाटन की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रही हैं। 2023 को C79 मालवीय नगर नई दिल्ली में ब्यूटी स्कूल आधुनिक सुविधाओं और उत्पादनों के पेशकश करेगा ताकि छात्र को सौंदर्य उद्योग में शिक्षा प्रदान की जाए। दुबई ब्यूटी स्कूल पेशेवर मेकअप कलाकार और पूर्व मॉडल अनुभव वशिष्ठ के नेतृत्व में प्रशिक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। न केवल सौंदर्य प्रसाधन लगाने के तरीकों पर बल्कि आत्मविश्वास और संचार कौशल पर भी ध्यान केंद्रित करता है। अकादमी की शिक्षण पद्धति इसे क्षेत्र के अन्य मेकअप स्कूलों से अलग करती है, विगत विकास पर जोर देती है और छात्रों को मेकअप कलाकारों के साथ साथ उनके व्यक्तित्व और व्यावसायिक जीवन में उत्कर्ष प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। It, no, it's fantastic. I think that more than collaboration, it's support. When anybody starts something new, you always have to be there to like support fantastic ventures. And this one's a great one. It's got everything to do with, you know, traveling within the country, out of the country. It's got things to do with beauty, something that everybody really laps up to nowadays. So I want to congratulate everyone who's a part of this venture. And thank you for having me here. Nothing, कंग्रेचुलेशन बोलूँगा अनु को, यू नो, एंड सोफिया को एंड भूमिका को, इन्होंने यू नो यहाँ पर लेकर आए हैं। सेकंड ब्रांच भी दुबई में भी है, क्योंकि मेरा वैसे बोलना इतना काम नहीं, क्योंकि मैं मेकअप से वैसे भी कहाँ ही इनको ज़्यादा पता होगा, बट येस मैं यहाँ पर आया था जब लास्ट टाइम मुझे बताया था कि भाई हम यहाँ पर ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, तो तब नहीं मुझे लगा था कि यहाँ पर भी इतना अच्छा सेटअप बन सकता है। मैंने उन्हें बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया, तो यहाँ से अनु सबको कंग्रेचुलेशन, अच्छा काम करें यहाँ पर। अनु जी क्या कहना है, किस तरीके से लग रहा है आज ओपनिंग किया गया और दो जानी मानी हस्तियों ने ओपनिंग करी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब यहाँ पे आए हैं और हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस न्यू वेंचर के लिए, क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री में थी, इससे पहले मैंने मॉडलिंग करी है और मेकअप में मैं अभी थोड़ा नई हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए। आई थिंक इट्स बीन 10 इयर्स ऑफ मी माइसेल्फ इनटू द मेकअप इंडस्ट्री। आई थिंक शी इज चूजिंग द बेस्ट प्रोफेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड इट्स मी मेकिंग मायसेल्फ। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। क्या मैसेज रहेगा मैम जो जनता आपको देख रही है? मैं बस सबको यही कहूँगी कि यहाँ आइए, जिसको मेकअप सीखना है बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी तक मेकअप नहीं सीखा है, मेरे को तो 22 साल हो गए इंडस्ट्री में और तो पता नहीं है ना, देखो तूने बिना मेकअप ही देखा नहीं, एक्चुअली देखा है तूने बिना मेकअप के, बट यू नो द ट्रूथ इज आई थिंक इट्स एन आर्ट, इट्स रियली एन आर्ट फॉर्म दैट मेक्स पीपल हैप्पी एंड द बिफोर एंड आफ्टर इज वे टू स्पेशल। सो या सीखने आइए, करवाने आइए मेकअप, इट्स अ गुड थिंग। जी देखिए, जो हेल्थ और फिटनेस है, मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इसका पूरा ख्याल रखें। कोरोना पेंडेमिक में जैसे हमने देखा हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिले, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सभी व्यूअर्स को कि अपनी हेल्थ को अपनी रियल वेल्थ मान के चलें और इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहें। और इस इवेंट में ये जो टीम है, इसको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इस तरह का जो इन्होंने ये सेटअप लेकर आए हैं, और बेस्ट ऑफ लक टू द टीम कि आगे बढ़ते रहें। कम यूज करोगे, जितना सनस्क्रीन लगाओगे उतना ज्यादा मेकअप आता है, आवर टू मेकअप फ्री का आता है। हां, स्कूल भी आपने लिखा यहां पर, स्कूल के यहां पर सर्टिफिकेट वगैरह है, जो है बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ हम वर्कशॉप्स भी करा करेंगे, हर महीने यहां पे वर्कशॉप्स हुआ करेंगी और प्रॉपर क्लासेस होंगी मेकअप से लेके हेयर तक का।